नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर स्वागत है। तो अभी बिहार चुनाव 2020 का सबसे ताजा सर्वे आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। जी हाँ, जो कल का वोटिंग हुआ था 94 सीटों पर, उसका पूरा फाइनल रिजल्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी इस चैनल पर दी जाती है। तो दोस्तों, सर्वे जानने से पहले मैं आपको कुछ खास खबर के बारे में आपको जानकारी देता हूँ, फिर हम लोग ओपिनियन पोल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये खबर मधुबनी से आ रही, जहाँ हरलाखी में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ही भीड़ की ओर से सीएम को निशाना बनाते हुए मंच पर प्याज फेंका गया। इस दौरान तुरंत सुरक्षाकर्मी आए और सीएम को कवर किए, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा, छोड़ दीजिए, इन लोगों पर ध्यान मत दीजिए, फेंकने वाले, सीएम ने कहा, और फेंको। जी हाँ, ये खबर मधुबनी से आ रही, जहाँ नीतीश जी की सभा थी और लोगों का गुस्सा महंगाई पर था और लोगों ने उन पर प्याज फेंक के अपना विरोध जताया और सीएम ने उन्हें नज़रअंदाज करते हुए बोला, और फेंको। तो दोस्तों, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और तेजस्वी यादव जी ने भी इन पर अपना दुख प्रकट की है और उन्होंने बोला है, अपना गुस्सा ईवीएम मशीन पे दिखाइए और वहाँ महागठबंधन को वोट दीजिए, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकी। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग दूसरी खबर के बारे में जानते हैं। तो ये बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद महागठबंधन की ओर से प्रेस वार्ता का बड़ा दावा किया गया है। दूसरे चरण के 94 सीटों में से 65 सीटों पर महागठबंधन का जीत का दावा किया है। वही दूसरी ओर एनडीए नेताओं की ओर से भी दावा किया गया है कि वह बिहार में एक बार फिर से उनकी सरकार बननी तय है। मतदान के बाद राजद, कांग्रेस, वाम दल के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया है कि दूसरे चरण के 94 सीटों में से 65 सीटों पर महागठबंधन की जीत पक्की है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि पहले चरण के मतदान में महागठबंधन के पक्ष में जो हवा चली, उसने अब आंधी का रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए पीएम को भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के सवालों का भी पीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार की विदाई तय है। कहा कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं, लोग अपने गुस्से का इजहार ईवीएम का बटन दबाकर कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राजद, कांग्रेस, वाम दलों के गठबंधन ने बहुमत के आंकड़ों को छू लिया है। उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंदियों का हताशा बता रही है कि उनकी हार हो चुकी है। उधर दूसरी ओर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने दावा किया है कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बननी तय है। बिहार में इतिहास रच जाएगा, एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है कि उन्होंने सुशासन चाहिए। बिहार को लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर प्रदेश की उन्नति के लिए मतदान किया है। लोग जाति नहीं, विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और उन्होंने कहा कि हर तरफ विकास की चर्चा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं हर गांव, हर घर तक पहुंचेगी। इन सुविधाओं को पाकर लोग खुश हैं। ऐसे में राज्य में एक बार फिर एनडीए की मजबूत सरकार बननी तय है। तो दोस्तों, आप लोग ये कुछ खास खबर के बारे में जान रहे थे और हम लोग ओपिनियन पोल के बारे में जानेंगे। तो उधर महागठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब दावा किया है कि 94 में से 65 से अधिक सीटें उनकी आ रही है। तो दोस्तों, ये सच भी होते दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव जी की लहर चल रही है, बहुत ज़बरदस्त लहर चल रही है। और उनकी सभाओं में जो भीड़ आ रही है, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग उनकी सरकार को कितना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, और ये बिहार पॉइंट का सर्वे भी किया गया था, जिसमें लोग तेजस्वी यादव की सरकार ही चाहते हैं। 97% लोगों ने तेजस्वी यादव को पसंद किया, उनकी सरकार चाहते हैं। जी हाँ, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पे वोटिंग करवाया था पब्लिक से, आप लोगों से, और आप लोगों ने
लगभग सैकड़ों लोगों ने वोट किया, जिसमें 97% लोगों ने महागठबंधन की सरकार चाहते हैं और 3% लोग NDA की सरकार चाहते हैं। तो दोस्तों, ये आज की बहुत बड़ी खबर और ओपिनियन पोल था। और आप लोगों का क्या लगता है, किसकी सरकार बिहार में बनने जा रही है और कौन बनेगा CM, ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैला दें, गर्दा मचा दें। और दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।